हार्वर्ड चले गए, वो भी जो ये जो अभी आ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ये दरअसल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो नौकरी करता है उसका एक रिस्क का हिस्सा है और जो कारोबार करता है उसके दस हिस्से हैं रिस्क के। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक ना एम्प्लॉयमेंट मॉडल को प्रमोट किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को प्रमोट नहीं किया गया। अब हमारी जो यूनिवर्सिटी है आज के अंदर प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बट वी शुड बी एंटरप्रेन्योर, वी आर क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर, तो ये नाम का सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस है, तो वो भी अब इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि वी आर एमिंग टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। तो ये बात तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी थी, कह दिया था। तो हर काम के अंदर बेशक टाइम है, कुछ भी है, आप लोग जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लीजिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, अपना 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 जो है वो अपना मकाम पहचाने, सुधारा अपना पहले मकाम पहचाने और देखिए आपके निस्बत किन के साथ है। ईमान वाले का वसल बताऊं क्या है, जो मैंने कुरान में कहा वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ा अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुम खियरा, कि ईमान वाले की शान ये है कि अगर एक मामले के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले में फैसला कर दे तो अन यकूना लहुम खियरा, ही हैव नो राइट टू थिंक ऑन इट, टू रीथिंक ऑन इट, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उस मामले के ऊपर दोबारा से उसको रिकंसीडर करे। जब अल्लाह ने फैसला कर दिया, बनाने वाले ने बता दिया, भाई यहाँ पे आप एनेबलर्स के अंदर मौजूद हैं, तो आप एनेबलर्स की गाइडलाइन को फॉलो करें कि अपनी मर्जी से यहाँ पे आएंगे जाएंगे, उनकी पॉलिसीज की कोई रिगार्ड नहीं करेंगे। जो देखें जो किसी कंपनी के अंदर चले जाए, कहीं पे चले जाए, आपने उस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी प्रोसीजर्स हैं, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, वो आपने उसको ओबे करना होता है। आप एक एप्लीकेशन मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, अब उनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन को पहले एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन मिलती है। अब दुनिया के अंदर आए हैं, दुनिया के अंदर आए हैं, यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आजाद जिंदगी गुजार के जाना चाहते हैं क्या, उफार की तरह। कुरान ने कहा जिनको हम आइडियलाइज कर रहे हैं ना, हाँ कुरान ने कहा कज़ालिकल अनआम, ये जानवर है, बल हुम अज़ल, बल्कि इससे भी बदतर है। क्यों? आप देखें उनका लाइफ स्टाइल, वो क्या है उनके अंदर, तो अब इस टाइम पे देयर उनके वो तो जेंडर के अंदर कंफ्यूजन के अंदर है। एक बंदा सपोर्ट कर देता है, मुझे अंदर से जो है आवाज आ रही है, मैं फीमेल हूँ, हाँ मैं फीमेल, मुझे अंदर से फीमेल की आवाज आ रही है, वो कहता है मैं फीमेल आ रहा है। एक लड़की कहती है मुझे अंदर से मर्द की आवाज आ रही है, तो मैं मर्द बन जाऊंगी। अगर अंदर से डॉगी की आवाज आए तो डॉगी बन जाएंगे। ये तो इस तरह से जो है ना, और देखिए ये वो चीज है फिर इसके बारे में कुरान ने जिक्र कर दिया था, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान ने कहा अल्लाह रब्बी अंज़िरनी, अल्लाह मुझे कुछ मोहलत दे दे, तो कुरान अल्लाह ताला ने कहा फइन्नका मिनल मुनज़िरीन, तुझे मोहलत दी गई। आगे से अल्लाह फिर चैलेंज किया था, अल्लाह मैं इनको गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुम मुखलसीन, जो तेरे मुखलिस बंदे वो मेरे ट्रैक में नहीं आएंगे। और एक और बात की वलयुग़य्यिरुन खल्क़ल्लाह, अल्लाह ये इतना गुमराह करूंगा इन लोगों को, इतना गुमराह करूंगा कि तेरी तख्लीक बदल गई है। हम लोग उनको आइडियलाइज करें जो अपनी तख्लीक भी बदल रहे हैं, उनको हमने टाइम मैनेजमेंट इतनी सीखनी है, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। मैं आपको चंद चीजें आज के सेशन में सिर्फ एक ग्लिम्स के तौर पर अर्ज करूंगा आपके सामने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ स्टाइल था, लाइफ कैजुअल था, आप उसको देखें, एनालाइज करें कि आप अलैहि सल्लतु वसलाम की जिंदगी के अंदर किस तरह से टाइम की वैल्यू थी। 23 साल का टाइम था, आप इमेजिन कर सकते हैं 23 साल के अंदर में आप और मैं और दुनिया के अंदर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया में आपको जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं, जितने ईमान वाले नजर आ रहे हैं, और क्यामत की सुबह तक आते रहेंगे और ये दिन गालिब आएगा, ये अल्लाह का वादा है, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा, मुसलमान होंगे, इसका सबका क्रेडिट किसको जाता है? हाँ, मेरे ईमान का क्रेडिट, आपके ईमान का क्रेडिट, हम सबके ईमान का क्रेडिट जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कितनी ड्यूरेशन थी? 23 साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इंकलाब बर्पा किया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इस्लाम फैल गया, हर जन्नती जो है जन्नत में जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जुह से। और देखें, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही उम्मती थे, ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उनकी क्या स्थिति, उन्होंने जब बरसगीर को पता किया, यू 17 ईयर्स ओल्ड, हमारे 17 ईयर्स और जो नौजवान है ना माशाल्लाह, वो पबजी खेल रहे, पबजी और क्या है, कैंडी क्रश और कुछ नहीं, कैंडी क्रश करी जा रहे, कैंडी क्रश और क्या है आजकल, हाँ टिकटॉक, स्नैप, वो स्नैपचैट है ना, वो डॉगी बन रहे हैं कभी जो है, वो उसमें बिल्ली बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, हम लोग इसमें टाइम किल कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि
8 अरब की आबादी में 5.5 अरब लोग जो है ना सोशल मीडिया के यूजर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, उसमें 3 घंटे औसतन आप लोग हम लोग जो है ना टाइम यूज करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर यही टाइम कहा जाए किसी अच्छी चीज के लिए स्पेंड करने की तो हमारे समाज में क्या नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हमारे लिए रोल मॉडल वही है, आप अलैहिस्सलाम ही है अपने टाइम को बेहतर करने के लिए। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, इंशाल्लाह हम डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं एक स्लाइड की तरफ से ग्लिम्स रन डाउन करवाता हूँ। ये जी एक मॉडल है दुनिया की, जो मैनेजमेंट स्टडीज होती है उसके अंदर एक मॉडल पढ़ाया जाता है कि आप अपने दुनिया के अंदर टाइम कैलकुलेशन होती है ना, आप जो भी दुनिया में काम कर रहे हैं आप उसको इवेल्युएट करें कि आपकी वो जो टास्क है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, किस बॉक्स के अंदर आती है। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। वो अर्जेंट है, उसकी अर्जेंसी क्या है, अर्जेंट है नॉन अर्जेंट है, वो इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, आप उसको कैटेगराइज करें। अगर कोई काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है तो वो क्या होना चाहिए, उसको इमीडिएटली करें। आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट भी है और क्या है, अर्जेंट भी है। पैसा कमाना आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपने आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना इंपॉर्टेंट है, और जिस एज ग्रुप के अंदर आप लोग हैं ये अर्जेंट भी है। अर्जेंट है कि नहीं है? अर्जेंट है ना, जब कमाएंगे तो फिर वो शादी होगी ना। तो क्या है, इमीडिएटली इसके ऊपर एफर्ट करें। ये मॉडल है, मैं आपको बता रही हूँ कि गोरा जिस तरह सोचते हैं ना, ये उसका थिंकिंग पर्सपेक्टिव है। उसके बाद वो कहते हैं जी जो चीज नॉन अर्जेंट है इमीडिएट उसकी जरूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो ठीक है उसको करें, लेकिन प्लानिंग के साथ करें, देखें मतलब उसका जो है ना राइट टाइम कब है करने का। थर्डली वो कहते हैं अगर एक काम ऐसा जो अर्जेंट है लेकिन आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो डेलीगेट कर दें किसी को, कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर दें। गोरा ये कहता है, गोरा ये कहता है मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे नेबरर्स आ रहे थे, अल्लाह ने करे जो है ना वो रस्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट होना किसी की लाइफ स्टेक होना अर्जेंट था नॉन अर्जेंट था? अर्जेंट था ना, उसकी जिंदगी जा रही है, नॉन अर्जेंट कैसे होगा? अर्जेंट था ना, हाँ अर्जेंसी थी। और लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपको तो रिश्तेदार नहीं ना वो, तो गोरा कहते हैं बस डेलीगेट कर दो किसी को, रेस्क्यू 112 पे कॉल करो, अपनी जान छुड़ा के निकल जाओ। ये उनका आई थिंक पर्सपेक्टिव है। तो कह रहे इसको ना डेलीगेट कर दें, किसी के और जिम्मे लगा के ना खुद गायब हो जाए वहां से। चौथी कैटेगरी नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ में उसकी अर्जेंसी भी नहीं है और इंपॉर्टेंस भी नहीं है, इसको तो आप उसकी लाइफ से इलिमिनेट कर दें। ये गोरा बता रहे हैं, मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर पढ़ाया जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्निल इस्लाम अल मरई तर्कुहु मा ला यानी। वैसे भी टाइम मुझे बताइए, 2-3 मिनट है, मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको एक चीज स्लाइड के ऊपर लेकर आया हूँ जो गोरा जिस तरह सोचता है, और मैं रिलेट करूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्निल इस्लाम अल मरई तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम का हुसन ये है कि इंसान हर वो चीज जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दे, क्योंकि ये फेलियर का मेन रीजन है। हम लोग टिकटॉक के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारी लाइफ में वो कितना अर्जेंट है? कोई अर्जेंट नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं है। तो गोरा भी कहता छोड़ दें, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम दिन के अंदर 3 घंटे में औसतन बता रहा हूँ, लेकिन हमारा अगर वो स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करें आपको दिन के अंदर 7-8 घंटे हम लोग इस पर दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले के अंदर बयान फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करें। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मेंबर पे तशरीफ लाए और जिहाद के बारे में आप देखिए अर्जेंसी देखे ना, दुश्मन जो है ना वो आपके ऊपर टूट पड़ा है, और उस मौके के ऊपर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को गाइडेंस दे रहे हैं कि हमने क्या करना, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे तशरीफ लाए और बड़ा जो है ना वो फसी और बली वास फरमाया, और उसकी ड्यूरेशन बताऊं कितनी थी, 3-4 मिनट, और उसके वर्ड्स की कैलकुलेशन सहाबी ने बताई वो 130 वर्ड्स थे। मैं यहाँ पे पिछले 17-18 मिनट से बात कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम लंबा नहीं होता था, मा कल्ला वकफा खैरु मिम्मन कसरा अल्ला, कि जो थोड़ा हो लेकिन काफी हो वो बेहतर है। वर्ड्स भी कैलकुलेटेड होते थे, टाइम जिस तरह स्पेंड होता था वो भी कैलकुलेटेड होता था।
हमें इसको सीखना है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार से पांच वर्ड के अंदर पूरा का पूरा ये मॉडल एक्सप्लेन कर दिया कि मैं हुस्न-ए-इस्लाम मर इधर को माला यानी के साथ अपनी जिंदगी में जो लीस्ट अर्जेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ दे। और कुरान ने कहा अफलह المؤمنون ईमान वाले غالب आ गए, फलाह पा गए। कौन उनके वसफ क्या है, उनकी क्या वसाफ है, अल्लाह ने खुद बयान किया। الذين هم في صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں نا، ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے، وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور تب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، سارے لوگ اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے فلاح اس